लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ आपके सर में दर्द है ना, चलो मैं तेल लगा देती हूँ। नहीं रहने दो, अभी तो आप कह रही थी जब तक ऋषि घर में वापस नहीं आ जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ मैं आपको कब से कह रही हूँ लेकिन मेरी बात का यकीन ही नहीं करता कोई। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि उर्मिला भाभी के रंग ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है, एक दिन वो इस परिवार में कलह जरूर करवाएंगे। ये सब तुम्हारे बाबूजी का किया धरा है, उन्होंने ही उर्मिला को इतना सर पे चढ़ा के रखा। मेरा बस चले ना तो एक झटके में उसे सही कर दूं। माँ उर्मिला भाभी जैसी औरतें सिर्फ परिवार को तोड़ना जानती हैं और मुझे तो लगता है कि उनके जो मैके वाले हैं वो उन्हें भड़काते रहते हैं। आए थे कृष्णकांत जी, ऐसी खरी खोटी सुनाई है ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे कभी अपना। माँ अभी भी अगर आप लोगों को अकल नहीं आई ना तो देख लेना इस परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इस परिवार में अलग अलग चूल्हे जलेंगे। चुप करो तृप्ति, तुम हमेशा दो हाथ आगे ही बढ़ के बोलती हो। माँ मुझे जो दिखाई दे रहा है ना वही बता रहे। नहीं मेरे जीते जी इस परिवार के टुकड़े कभी नहीं हो सकते, ऐसा होने से पहले भगवान मुझे इस दुनिया से उठा ले। अपने साथ साथ मुझे भी ले जाएंगी क्या? तुम क्या भक रही हो, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं है? जब तक बाबूजी और आप इस घर में है ना तभी तक दाना पानी है मेरा इस घर, उसके बाद तो उर्मिला भाभी मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगी। ऐसे कैसे फेंक देगी, उसके बाप का राज है क्या? मैं इस घर की दौलत में तुम्हें बराबर का हिस्सा दिलवाऊंगी। वो जो करना है ना बाद में करना, लेकिन अभी क्या करना है, या इससे भी बड़ा कोहराम चाहती हैं आप? देखो तृप्ति, पता चला है कि ऋषि अपने किसी दोस्त के घर रह रहा है, तुम्हारे बाबूजी उसे लेने गए, एक बार ऋषि घर वापस आ जाए ना। माँ उर्मिला भाभी ने उसे जितना जलील करके इस घर से निकलवाया ना वो वापस कभी नहीं आएगा। अगर ऋषि घर वापस नहीं आता है तो मैं उर्मिला का जीना हराम कर दूंगी। बेटे प्रवीण तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ। मैं ऋषि का दादा हूँ, खुश रहो बेटे। आइए दादाजी अंदर आइए। मैं ऋषि की तलाश में यहाँ आया हूँ, तुम्हारे किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि ऋषि यहीं रुका हुआ है। हाँ दादाजी वो यहाँ रुका तो जरूर था लेकिन। लेकिन क्या बेटे? लेकिन शाम होते ही वो बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ चला गया वो? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम दादाजी। देखो बेटे पूरा घर ऋषि को लेकर बहुत परेशान है, मुझे सच सच बताओ कहाँ है वो। दादाजी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, बल्कि मैंने तो ऋषि को खुद ये समझाया था कि वो घर वापस लौट जाए, लेकिन वो ये कह रहा था कि। क्या कह रहा था वो? वो ये कह रहा था कि वो अब घर कभी वापस नहीं जाएगा। गुस्से का बहुत तेज है, गुस्से में भला अकल कहां से आएगी। बेटे ऐसे में भला कोई अपना घर छोड़ के जाता है? मैं पिछले दो दिनों से उसे यही समझा रहा हूँ मगर शायद वो ये सोचकर कि मैं उसके फैसले में उसका साथ नहीं दे रहा हूँ इसलिए वो मुझसे बिना बताए कहीं चला गया। बेटे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर ऋषि के बारे में तुम्हें कुछ भी खबर मिले तो हमें जरूर बताना। जी दादाजी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। भाभी जी आज दाल कौन सी बनाए? तुअर की दाल। तुअर की दाल? हाँ बाबूजी को पसंद है ना, और ये बैंगन की सब्जी आज मैं बनाऊंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है भाभी। गीता जी। माँ जी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? नहीं तो। देखो अगर तुमसे घर का काम नहीं होता है ना तो साफ साफ बता दो, हम किसी दूसरी का इंतजाम कर लेंगे। भाभी तो हमेशा से हमारी मदद करती आई है, आज कोई नई बात तो नहीं है ना माँ जी? इसकी जबान कैंची की तरह चलती है। मैंने कौन सी गलत बात? चुप रहो, बहुत ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये सब किचन का काम किचन में क्या करो, यहाँ सब फैला के क्यों बैठी हो? वो तो भाभी जी ने कहा था यहाँ ले आओ, हम दोनों साथ मिलकर करते तो जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ ले आई। इसे किसी चीज का शऊर होता तो फिर बात ही क्या थी, माँ बाप ने कुछ सिखाया हो तब ना।
जी, आप मेरा इतना अपमान मत कीजिए प्लीज। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, सुना तुमने? इंसान जिस पेड़ की छांव तले पलता है उसकी ही जड़ें काटने की कोशिश करे तो ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब सामान उठाओ और चली जाओ किचन में फौरन, पर आज के बाद किचन का काम लेके यहाँ मत आना। ले जाओ। और सुनो उर्मिला, आज के बाद तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना तो क्या, तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगी मैं। चलो। ऋषि का कुछ पता नहीं चला। क्या? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाय पी लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उर्मिला कहाँ है? क्या पता कहाँ है, सो रही होगी कहीं महारानी। उसे चिंता है किसी की? आप तो ऋषि के दोस्त के घर गए थे ना? गया था, पर जिस दोस्त के घर मैं गया था वो वहां से भी चला गया है। कहां चला गया वो? आपने उसके दोस्त से पूछा नहीं कि वो गया तो गया कहां आके? उसे भी कुछ पता नहीं है। ना जाने ये लड़का क्या करने वाला है। मैंने ऋषि को और भी कई जगह तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन ऋषि का कहीं कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, ये लड़का गुस्से में आके कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। ना जाने भगवान हमारी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, कौन सी बुद्धि आ गई इस लड़के में जो इस तरह लापता हो गया है। घर का जवान लड़का घर से बाहर है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अनिरुद्ध की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ना जाने किस पाप का दंड मिल रहा है हमें। क्या अपनों से भी कोई इस तरह दुश्मनी लेता है? पता नहीं कहां भटक रहा होगा वो, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। सुमित्रा, इसी बात को सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूं कि ऋषि को आखिर मैं ढूंढ कर कहां से लाऊं। कहीं से भी मेरे ऋषि को ले आइए, उसे घर वापस ले आइए। अगर उसका मुझे कोई सुराग मिले तो मैं उसके हाथ पांव जोड़कर उसे वापस ले आऊं, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कहां। हां, ऋषि का दोस्त कह रहा था कि ऋषि ने फैसला कर लिया है कि अब वो घर वापस कभी नहीं आएगा। क्या? हे भगवान, ये हमें किन गुनाहों की सजा दे रहे हो? ऋषि, ऋषि तू इस तरह मुझे बिना बताए कहाँ चला गया था और अब कहाँ जा रहे? जहां मुझे मेरी मंजिल ले जाए। रास्तों पर यूं भटकने से मंजिल नहीं मिलती। तुझे मुझे तो बता के निकलना चाहिए था यार, मैं कितना परेशान था। देख प्रवीण, मुझे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जानते हो कहीं से तुम्हारे दादाजी को एक खबर लग गई कि तुम मेरे पास आके ठहरे हो और वो तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आए थे। बहुत चिंता कर रहे थे वो तुम्हारी और वो कह रहे थे कि घर पे सभी लोग दुखी हैं। तुमने क्या कहा उनसे? क्या कहता मैं? मैंने उनसे यही कहा कि तुम दो दिन तक तो मेरे पास थे लेकिन अब कहाँ हो कुछ मालूम नहीं। प्रवीण यार, मैंने तुझसे मना किया था किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। तुम्हारे दादाजी की जो हालत थी वो देखकर मुझसे उनसे झूठ नहीं कहा गया। ऋषि, अभी भी वक्त है, तू घर वापस लौट जा मेरे भाई, तेरे घर वाले तुझे माफ कर देंगे। देख प्रवीण, मैंने एक बार ठान लिया है और मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता हूँ। देख ऋषि, तेरी हैसियत ठीक नहीं है। ठीक नहीं? देख प्रवीण, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ यार। ऋषि, अगर तू मेरे घर पे रहता इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है,
अभी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद तू कहाँ जाएगा? इसीलिए तो मैं तेरा घर छोड़ा हूँ यार। और देख, मैं अब किसी पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, ना तेरे ऊपर ना अपने घर वालों के ऊपर। ऋषि, मैं तेरे को फिर कह रहा हूँ कि देख प्रवीण, मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत कर। अच्छा ठीक है, अगर तू घर वापस नहीं जाना चाहता तो तेरी मर्जी, लेकिन जब तक मेरे मम्मी पापा घर वापस नहीं आते तू मेरे साथ रहेगा। बस तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। पापा। बोलो बेटा। पापा प्लीज, आप ऋषि भैया को घर वापस ले आइए, उनके ना होने से घर में कोई खुश नहीं है, यहां तक कि आप ही नहीं। देखो रुचि बेटा, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुम ही बताओ कि क्या उस पागल में इतनी अकल नहीं है कि खुद सामने से घर में वापस आकर हम सबसे माफी मांगे? जब आपने उन्हें निकाल दिया है तो वो अपने आप वापस कैसे आ सकते हैं? तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसके पास जाकर उसके हाथ पैर पकड़कर उसे वापस ले आऊं? नहीं रुचि, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं करूंगा मैं। पापा आप समझ नहीं रहे हो, दादी बुआ इस बात को लेकर छोटी माँ को कितना बुरा भला कह रहे हैं। उन लोगों का यही मानना है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार छोटी माँ है। इसमें उर्मिला कहाँ से जिम्मेदार हो गई? लेकिन ये अब उन्हें कौन समझाए, उन्हें तो बस छोटी माँ को नीचे दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। नहीं, सारी गलती ऋषि की है, उर्मिला की नहीं। लेकिन ताने तो छोटी माँ को ही सुनने पड़ रहे हैं ना। माँ को तो मैं समझा नहीं सकता, उन पर तो बस एक ही बात का फूल सवार रहता है, सही बात को गलत साबित करना और गलत बात को सही साबित करना, ये उनकी पुरानी आदत है। पापा अगर ऋषि भैया वापस घर आ जाते हैं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। प्लीज पापा आप ऋषि भैया को वापस ले आइए। अच्छा तो अब अपने बच्चों के लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। नहीं पापा, इस बार आप ऋषि भैया को माफ कर दीजिए, आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सवाल गलती का नहीं है रुचि, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना वो गलत है, और वही ऋषि कर रहा है। लेकिन पापा क्या आप ऋषि भैया के बगैर रह पाओगे? अगर वो मेरे बिना रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? आप दोनों ही नहीं रह सकते, आप दोनों का गुस्सा एक जैसा है, आपको अपने गुस्से पे काबू नहीं और ऋषि भैया को अपने ऊपर नहीं। पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा। हेलो बेटी उर्मिला। जी पिताजी। कैसी है तू? पिताजी आप हाल ही में तो मुझसे मिलकर गए हैं ना, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते हैं? अरे बेटा, एक बाप हूँ, उसका दिल तो हमेशा अपनी बेटी के लिए तड़पता ही रहेगा। कैसी है तू बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने पिताजी से झूठ बोलना सीख गई है तू है? अरे तेरी सास ने जो मुझे जली कटी सुनाई, क्या वो यूं ही? तेरा उस घर में इतना अपमान हो रहा है, आखिर क्या कमी है तुझमें? कुछ तो कमी होगी ना पिताजी, लेकिन आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पिताजी जब बेटी बहू बन जाती है ना तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जिम्मेदारी बेटी के बाप पर नहीं होती। अरे सुमित्रा जी उल्हाना दे रही थी मुझे, मेरी बेइज्जती की उन्होंने, मैंने अपने घर की इज्जत उन्हें सौंपी है, वो इसलिए कि वो मुझे इस तरह गाली दे? पिताजी माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे डर है बेटी, कहीं जो जानकी के साथ हुआ वो कहीं तेरे साथ। पिताजी माँ कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है, उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। अच्छा बेटा, गायत्री
गायत्री अभी आई, उर्मिला का फोन है। ये लो उर्मिला का फोन। हेलो बेटे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या, इसी शहर में रह के तो अजनबी हो गई हमारे लिए। मम्मी पापा से मिलने का दिल नहीं करता? हमें तो रात दिन तेरी फिक्र होती है, बस तेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, अब तू अपनी तकलीफें भी हमें नहीं बताना चाहती? तकलीफ हो तो बताओ ना माँ, पिताजी तो बस कुछ ज्यादा ही। माँ आप पिताजी को समझाइए ना, तकदीर के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बस सब कुछ वक्त के हवाले कर दिया है। बेटे, इन बातों से तू अपने आप को तसल्ली दे सकती है। मैं तो कुछ भी कह के अपने आप को समझा लूंगी, लेकिन तेरे पिताजी तो मुझे फोटो। और मिला मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कि तेरे पिताजी की सांसें तुझ में बसती हैं बेटा। यू आर माई प्राइड बेटा, यू आर माई प्राइड। और अगर तू खुश नहीं है ना, तो तेरा ये पिता ना मर जाएगा बेटा। मैं खुश हूँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। और पिताजी, अगर आपको माँ जी की किसी भी बात का बुरा लगा ना, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानिए, क्योंकि माँ जी ने जो भी कहा है वो मेरे लिए कहा है। पिताजी, सास बहू के रिश्ते तो होते ही ऐसे हैं, और आपकी बेटी उनकी बहू है, और मैं अपने प्यार और आदर्श से उनका दिल जीत लूंगी। आप घबराइए मत पिताजी। उर्मिला बेटा, अपनी तकलीफ को कभी हमसे छुपाना मत बेटा। ठीक है, मैं तेरा हालचाल लेता रहूंगा। अब फोन रखता हूं बेटा। Ha 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 ha!